श्री साईनाथाय नमः। जब भी किसी व्यक्ति को आपके करीब आना होता है तो वो शुरुआत आपकी प्रशंसा से करता है, आपकी तारीफ से करता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आपका ये बहुत अच्छा है, मतलब पता नहीं कितनी तरह की आपकी बातें आपको खुद गिना देता है जो शायद आपको कभी कभी पता भी नहीं होती है। और कई बार क्या होता है, हम अपनी प्रशंसा को सुनकर प्रभावित हो जाते हैं और हम उसकी बातों में भी आ जाते हैं। लेकिन आज के समय में आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि प्रशंसा करने वाला हर व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि आपका शुभचिंतक ही हो, क्योंकि बात हमेशा प्रशंसा से ही शुरू होती है। वो आएगा, आपकी दो चार अच्छी बातें आपको दिखाएगा जिससे आपको कुछ पता ही नहीं होता है, और आने वाले समय में जब उसका काम निकल जाएगा तो उसको वो कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर उसको आपके अंदर बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देंगी। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों से तो हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आज जाएगा कल दूसरा भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। हमें अगर संभालना है तो खुद को, क्योंकि ऐसे लोग हमें बहुत मिलेंगे लाइफ में, बहुत ज़्यादा, तो हमें उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम खुद को संभाल सकते हैं। झूठी प्रशंसा इंसान को वैसे ही फुला देती है जैसे गुब्बारे को हवा, गुब्बारे में हवा भरते जाओगे वो फूलता जाएगा। ऐसे ही कई बार क्या होता है, जिन लोगों को बहुत भोले होते हैं जो लोग, उनको कोई भी आता है और अपने मतलब तक उनके साथ रहता है, और जब मतलब निकल जाता है तो छोड़कर चला जाता है, और फिर वो बेचारे भोले लोग रोते हैं, बहुत दुख होता है उनको, लेकिन उस दुख का किसी को अंदाज़ा नहीं होता। इसीलिए झूठी प्रशंसा से बच कर रहिए, क्योंकि वो तब अच्छी लगती है जब शुरुआत होती है। जैसे समय बीतता जाता है वो इंसान भी आपकी सारी अच्छी बातों को भूल जाता है, फिर वो आपको आपकी बुरी बातें भी गिनाने लग जाता है। तो ऐसा भगवान कोई किसी के साथ ना करे, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम धोखा देंगे तो हम खुद धोखा खाने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि आज हम दे रहे हैं कल कोई हमें देने वाला भी आ सकता है। इसलिए हमें नहीं देना है किसी को, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमारे साईं ने सिखाया कि हम जो देंगे वो एक दिन हमारे पास वापस ज़रूर आएगा, लेकिन जो लोग देते हैं उनको तो हम नहीं रोक सकते, बस खुद को संभाल सकते हैं कि झूठी प्रशंसा से बचिए। ज़रूरी नहीं है ये मैसेज आपके आज या कल काम आए, हो सकता है 10 दिन बाद काम आए, 10 दिन बाद आपके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि लाइफ है, सब कुछ चलता है। यहाँ पर हम जो मैसेजेस देते हैं वो किसी ना किसी की लाइफ पे होता है। अब कई लोग पूछते हैं कि जो राशियाँ होती हैं क्या वो सच होती हैं, तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक राशि के एक ही इंसान है, बहुत सारे लोग हैं एक नाम के, बहुत सारे। आपका नाम ए से शुरू होता है तो बहुत सारे लोगों का शुरू होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ ही घटित होगा, क्या पता वो किसी और के साथ भी हो सकता है। तो बस आपको अपने कर्मों और अपनी सोच को अच्छा रखना है, ठीक है। सोच से कर्म बनेंगे और कर्म से हमारा भाग्य, तो हमें अपने आप को सुधारना है, क्योंकि दुनिया को हम नहीं सुधार सकते। दुनिया मतलब ही है, आज के समय पे कोई किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करता। हम लाख कह लें कि हम अच्छा करेंगे, हम बिल्कुल अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार हमें अच्छा करके भी अच्छा नहीं मिल पाता, हम टूट जाते हैं। एक इंसान के ऊपर इतना भरोसा कर लेते हैं कि वो इंसान जब तोड़ता है तो हमारे बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचता, वो ये नहीं सोचता कि क्या हमारे दिल को चोट नहीं लगेगी, क्या हम रोएंगे नहीं, उसको कोई परवाह नहीं होती। इसलिए जो आ जाए उसको वेलकम, जो जाए उसके लिए सोचना नहीं। ये सोचिए कि एक इंसान था, चला गया, उसको हम नहीं पसंद थे, ठीक है, उसको हमसे कोई अच्छा मिल गया होगा, बस जाने दीजिए। किसी के पीछे समय इतना, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जितना है उतना मालिक को दीजिए और अपने जो भी काम है वो निपटाइए, ठीक है। और जो भी बातें होती हैं वो हमारे जितने भी साईंदार परिवार है किसी ना किसी से रिलेटेड होती हैं, तब भी उसको हम क्लियर करना बहुत ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक व्यक्ति गिरा है तो दूसरा भी गिरे। हम गिरे हैं तो हम दूसरों को उठाने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको भी कि जाता होने दो उसकी लाइफ में, हमारा क्या जाता है, नहीं, अगर वो हमारे परिवार का हिस्सा है तो हमारा भी कुछ ना कुछ जाता है। इसलिए हम गिरे हैं, हम सबको नहीं गिरने देंगे, ओके। तो खुद को संभालिए, लाइफ आगे बहुत पड़ी है, जो चला गया वो आपके लायक नहीं था,
अरे उस वो आप कहाँ वो कहाँ, ये सोचकर आगे बढ़िए, जिंदगी इंतज़ार कर रही है आपका। साईनाथ हैं वो आपका हाथ पकड़कर आगे लेकर जाएंगे, भरोसा रखिए मालिक पर। ओम साईं राम, जय साईं राम, साईं शुभ रात्रि।